दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ये होता है LMS पैनल सीबी टाइप आइसोलेटर, ठीक है। इनका बार आने के बाद ये फास्ट SPT को आता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, सेंसर मॉड्यूल वायरलेस इनपुट। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं लुलू, आप देख रहे हैं मेरे टेक्निकल चैनल पंडा ट्रेमेकर। दोस्तों आज का वीडियो में हम आपको LMS पैनल के बारे में बताने वाले हैं। तो LMS पैनल क्या है, अगर आप एक इलेक्ट्रिशियन है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो LMS का फुल फॉर्म होता है लाइटिंग मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक फ्लोर है, एक फ्लोर में दो पैनल बैठता है जो कि LMS पैनल, उसके इंटीरियर डिजाइन और वर्क के बारे में, और क्या क्या लगता है, कैसे इनकम और कैसे आउटगोइंग जाता है और कहाँ पहुँचता है, कैसे लाइट जलता है, वो सभी के बारे में समझने वाले हैं। तो बिना देरी करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये होता है LMS पैनल, इसमें से ये फ्लोर का अर्धा हिस्सा कंट्रोल होता है, और एक पीछे वो साइड में और एक इलेक्ट्रिकल रूम है, उधर से भी अर्धा हिस्सा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक के बारे में समझा देता हूँ मैं, इसका इंटरनल वायरिंग के बारे में हम थोड़ा समझाएंगे। समझाने के लिए हम ड्रॉइंग का लीजेंड को चेक करेंगे तो उसमें हमको मालूम चलेगा। तो ये फ्लोर का दो पैनल है, दो पैनल का लीजेंड इधर है, ठीक है। हम जो साइड पैनल का काम करेंगे, मतलब बताएंगे आपको, वो साइड का हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो पहले स्टार्टिंग से यहाँ इनकमर केबल होता है जो कि लिखा गया है 4 कोर 16 स्क्वायर mm, ओके। यहाँ इनकमर केबल और एल्युमिनियम का केबल है, और सेकंड में आएगा तो यहाँ पर SPD लगा है जो कि इसका फुल फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस। और तीन नंबर पे यहाँ पर ये चीज़ जो है, ये MCB टाइप ही आइसोलेटर, ठीक है। इधर जब ऑन हो जाएगा तो तीनों फेज का तीनों वायर में पावर चला जाएगा। जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक RCC भी है, ये एक RCC भी है, ऐसे होके 6 लगा है जो कि हर फेज के लिए 2-2, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा RCC भी, ये सभी RCC भी है, ओके। इसी प्रकार से है, 6 हो गया तीनों फेज के लिए, और एक RCC से 4 MCB लगते हैं, ओके। देख सकते हैं यहाँ पर इसका एम्पियर क्या है, वो सब कुछ डिटेल में दिया है, आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। 10 एम्पियर का एक MCB है, बी कॉर्ड टाइप, ओके। इधर से आने के बाद सप्लाई आ गया, सप्लाई आने के बाद ये मॉड्यूल को डायरेक्ट आता है, ओके। एक मॉड्यूल से 4 चैनल चलता है, ओके। यहाँ पर देख सकते हैं 4 चैनल हो जाता है। ये 4 चैनल में एक चैनल में कितना लाइट करके यहाँ पर लिखा गया है, कितना लाइट ही वो लाइट का वाट वो सब कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं L78 में 2 लाइट है, ओके। ये एक ओयर है, 78 मतलब एक ओयर, मतलब एक चैनल, वो चैनल में 2 लाइट है, ठीक है। सेकंड में आ गया L79, इसमें उसी प्रकार से 4 लाइट है, ऐसा सारे का सारे है, इधर तक लाइट है। यहाँ पर लाइट का डिजाइन इसी प्रकार से दिया है, कौन सा टाइप का लाइट यहाँ पर चाहिए और रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसका डिजाइन, इसका वाटेज, ये सभी मिल के कितना वाटेज होता है, ये सभी यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। ये सभी हो गया, और इसका वायरिंग हम देखेंगे, हम थोड़ा अंदर जाएंगे। तो हमने उधर देख के आया, वो पैनल का इंटरनल कैसा टाइप का लिंक हुआ है वो बाद में देखेंगे, लेकिन हमारा जो काम होता है एक इलेक्ट्रिशियन का, हमें इधर तक काम होता है, ठीक है। ये सभी हमारा काम होता है, इसका अंदर वाला काम हो वो फैक्ट्री से बन के आने का टाइम वो लोग असेंबली करके दे देते हैं, लेकिन हम भी फिर भी समझाएंगे थोड़ा आपको, मुझे जितना जानकारी है, ठीक है। ये इनकमर आ गया, देख सकते हैं ये टेम्परेरी हम देख रखा है, इसका परमानेंट केबल वहाँ पर है। इधर से इनकमर आने के बाद ये फास्ट SPT को आता है, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। इसका खाली इनकमर होता है, इसका आउटगोइंग कुछ नहीं निकलता, ये एक अर्थ लीकेज होगा तो ये ट्रिप करवा देगा, ठीक है। और यहाँ पर एक आइसोलेटर बैठाया गया जो कि यहाँ पर फास्ट एंट्री करता है, जो कि ये पूरा पैनल को कंट्रोल करता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते कितना सारे कुछ भी मशीन बैठाया गया,
जो कि सारे ये फ्लोर का अर्धा हिस्सा ये पैनल कंट्रोल करता है। ओके, यहाँ पर आइसोलेटर से निकलेगा तो ये सभी आरसीसीबी को आता है। आरसीसीबी देख सकते हैं, यहाँ पर 6 आरसीसीबी है, हर एक फेज के लिए 2-2 आरसीसीबी है। ठीक है, 2-2 आरसीसीबी है। और एक आरसीसीबी का हम बात करें जाए तो ये Q2 कंट्रोल करता है 4 एमसीबी को। यहाँ पर चाहे तो कोई कोई जगह में ज़्यादा भी कर सकता होगा, क्योंकि इसका पावर के हिसाब से ये सभी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो एक आरसीसीबी में ये 4 कंट्रोल होता है, देख सकते हैं। ये सभी क्या है, एक एक मॉड्यूल है, एमसीबी को आया है, एमसीबी से मॉड्यूल को गया है। ठीक है, ये सभी एक मॉड्यूल कंट्रोल होता है, और ये एक मॉड्यूल से 4 चैनल निकलता है, जो कि ये 4 चैनल ये वायर निकला है, देख सकते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा दिखा देता हूँ घुमा के, यहाँ क्या लिखा है, Q8A। ठीक है, ये Q8A देखिए ऊपर लिखा है। ओके, Q8B नीचे, ठीक है, उसी तरह Q8B ये वाला है, थोड़ा घूमने का तो मालूम चलेगा। देखा आपने, ये इसी तरह से वायरिंग हुआ है, जो कि यहाँ पर इसका लिंक है, क्योंकि हम उधर जाके लिंक करेगा तो ये सभी बहुत कॉस्टली चीज होता है, जो कि लाखों 50,000 ऐसा करके एक एक पीस का दाम है, बहुत महंगा है। इसका साथ किसका लिंक है वो हम आगे चल के बताएंगे, ड्राइंग में जाके वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो पहले यहाँ पर देखिए LMS 1R1 Channel 1। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा खाली चेंज है, LMS 1R1 Channel 2, ओनली चैनल 2 ये चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे तो सभी सेम है, Channel 3, उसके बाद Channel 4, इसी तरह से ये सारे है। और सेकंड में आ जाएंगे तो ये यहाँ पर क्या चेंज होता है, R2। ओके, ये R2 देख सकते हैं, थोड़ा LMS 1R2 Channel 1 Channel 2, ओनली R2 चेंज हुआ। यहाँ पर R3 हो गया, Channel 1 Channel 2 Channel 3 Channel 4, ये असल में इसी तरह से ये हो गया पूरा का पूरा। ठीक ही उसी प्रकार से ये भी है, येलो भी है और ब्लू भी है। ठीक है, इसका न्यूट्रल साथ में आता है, सभी मशीन से निकलता है, तो आउटपुट यहाँ पर न्यूट्रल लगाया जाता है। ओके, न्यूट्रल कॉमन है, ऐसे भी एक ही वायर लगाया है, ये लिंक में यूज कर दिया। और कुछ चीज यहाँ पर MCB कंट्रोल में डायरेक्ट रहता है, जैसे कि टॉयलेट हो गया और प्यासेज का कुछ हिस्सा हो गया, ऐसे टाइप का कुछ चीज ही जो कि MCB कंट्रोल में होता है। ये बस बार में डायरेक्ट उसका न्यूट्रल लगा है, नहीं तो ये ऐसे भी चैनल का यहाँ पर लिंक में लगा दिया गया है। ये भी बस बार देख सकते हैं, इसका अर्थिंग जो है ये बस बार में RYB करके लगाया गया है। ठीक है, वो मैं बता रहा था क्या, इसको कौन सिग्नल देगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको सिग्नल देने वाला एक QSM होता है। QSM क्या होता है, एक जोन को कंट्रोल करेगा, जैसे कि ये एक एरिया है, ये एरिया में एक QSM लगता है। तो कैसा टाइप का, हम ड्राइंग का ठीक उसी जगह में जाएंगे तो पता लगेगा हमको। देख सकते हैं, ये कॉर्नर में हम आया, ये कॉर्नर में आया तो यहाँ पर लिखा गया QSM। ठीक है, ये जो इधर से लेके ये ड्राइंग इतना बड़ा, ये एक ये एरिया का, ठीक है, ये एरिया पूरा देख सकते हैं, इसमें क्या होता है कि ये उसके साथ इसमें वायर लगता है। ओके, इसमें वायर लगता है जो कि वो QSNE को जाता है, वो क्या होता है, मॉड्यूल को जाता है। ठीक है, ये मॉड्यूल को जाता है, वायर लगा हुआ होता है। और ये बाकी जो OS सभी है, यहाँ पर देख सकते हैं 6 OS है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और DL 2 है, क्योंकि ये डाली वाला मतलब ये डिमेबल वाला है, ये साइड में जो रेड वाला दिख रहा है ये डिमेबल है, इसकी वजह से 2 और ये 6 क्या है कि
कोई भी आदमी आएगा तो यहाँ पर ये ओएस क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा उनको कि एक आदमी आया है बोल के। तो इसका आजू बाजू जितना सर्किट है, सर्किट का जितना नंबर चैनल का साथ लिंक होगा वो उतना लाइट को जलाएगा, ठीक है। ये इसको सिग्नल भेजेगा, ये डीएलवी सिग्नल भेजेगा क्यूएसएम को, वो क्यूएसएम रिसीवर है, रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद वो फॉरवर्ड करेगा मॉड्यूल को, मॉड्यूल से डायरेक्ट सप्लाई आएगा पर्टिकुलर इनकेस आर वन चैनल वन को, तो वो इसके साथ लिंक होता है। देख सकते हैं ये एक जोन है, ये एक जोन के लिए एक क्यूएसएम यूज किया गया है। ऐसे होके फ्लोर में एक एक जोन डिवाइड किया गया है। इसमें देखिए यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर कितना टोटल है और क्यूएसएम का मतलब क्या है यहाँ से देख सकते हैं। क्यूएसएम सेंसर मॉड्यूल वायरलेस इनपुट ओनली, ओके। ये इसका पिक्चर दे दिया गया है क्यूएसएम, ओके, क्यू सेंसर मॉड्यूल वायरलेस इनपुट, ओके, इसी टाइप का। और ये डीएल जो है इसका भी मतलब आप थोड़ा पढ़ लीजिए बराबर पॉज करके, रेडियो पावर सर्वर वायरलेस सीलिंग माउंट डेलाइट सेंसर, ठीक है। उसके नीचे ओएस हो गया, रेडियो पावर सर्वर वायरलेस सीलिंग ऑक्युपेंसी सेंसर, मतलब हम ऑक्युपेंसी सेंसर इसको बोलते हैं। इसका भी दो टाइप का आता है, ये सभी पैसेज में लगता है, वर्क स्टेशन में ये सभी लगता है, ठीक है। इसी प्रकार से एक ऑक्युपेंसी सेंसर के साथ तो कितना लाइट के कौन सा सर्किट मतलब उसका आजू बाजू में है, मतलब कौन से चैनल है, वो सभी यहाँ पर लिखा गया है लीजेंड में, ठीक है। हम वो दूसरे पैनल का थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर देख सकते एक इधर गया, हाँ इधर है ओएस, मतलब वही ऑक्युपेंसी सेंसर टू, इसका सभी नंबर अलग अलग होता है, ठीक है। लाइटिंग नंबर वन ए, ओके, लाइटिंग नंबर वन ए, लाइटिंग नंबर ओएस थ्री, लाइटिंग नंबर थ्री को कंट्रोल करता है, इसी प्रकार से है। और इससे भी अलग अलग है, थोड़ा यहाँ पर भी चेक करेंगे तो ठीक उसी प्रकार से है। OS 52, OS 52 मतलब फर्स्ट स्टार्टिंग में देखेंगे तो OS 52 यहाँ पर है, OS 52 में L 78 है, L 78 में, L 78 एक चैनल है, आपको बोल रहा था चार चार चैनल है, 1 2 3 4, ठीक है। ये R1 सर्किट का चैनल चार होता है, जो कि एक ही मॉडम कंट्रोल करता है, मॉडल कंट्रोल करते हैं, ओके। ये मॉडल जो है कंट्रोल करते हैं मॉडल। यहाँ पर देख सकते हैं रेड फेज में 1 2 3 4 5 6 मॉडल है, और 6 × 4, ठीक है, 4 चैनल, 6 × 4 24 टोटल चैनल हो गया, ठीक है। सभी के चार चार चैनल होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कुछ उसी प्रकार से है। येलो का भी सेम उसी तरह, ब्लू का भी सेम उसी तरह है। और यहाँ पर सभी का नाम पढ़ सकते हैं आप, कैसा टाइप का बिल्डिंग में कितना पीस क्या चीज़ यूज हुआ है, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर 14 पीस क्यूएसएम यूज किया गया, और डाली सेंसर 17 पीस यूज किया गया, और ओएस जो कि 115 पीस यूज किया गया, क्योंकि ये ज़्यादा यूज होता है हर टेबल के ऊपर, एक एक शायद मैं देख रहा हूँ, ओके। कुछ इसी प्रकार से इसका वायरिंग होता है, जो कि ये डाली किस लिए यूज होता है ये सभी देखिए। यहाँ पर कुछ ऑफ किया गया, पूरा डाली का जो वो सब भी ऑफ कर दिया गया, लेकिन ये सभी लाइट जल रहा है। यहाँ पर अभी ये काम नहीं हुआ परफेक्टली, मतलब उसको प्रोग्रामिंग किया जाएगा, प्रोग्रामिंग करने के बाद ये सभी वापस में प्रोग्रामिंग, मतलब एक चार लाइट को एक ओएस के साथ लिंक करना, मतलब जोड़ना, ओके, उसको प्रोग्रामिंग बोला जाता है। और उसके अंदर में सभी के साथ सभी को लिंक करना, जैसे कि हम एक मामूली पहले मेमोरी चिप लेके आएंगे उसमें खाली आता है, ऐसा टाइप का ये सब भी चीज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़। इसमें कोडिंग मतलब
प्रोग्रामिंग करके सेट किया जाता है। जैसे हम गाना लोड करेंगे तो गाना चलेगा, वीडियो लोड करेंगे तो वीडियो चलेगा, उसी प्रकार से ये सभी चलेगा। इसके अंदर का वायरिंग उसी तरह मतलब सेट प्रोग्रामिंग किया जाएगा। ये देख सकते हैं ये सब भी डाली का है, एक सेंटर में चल रहा है वो इमरजेंसी है, ठीक है। ये सभी भी कंट्रोल होगा वही OS के साथ लिंक है। डाली सेंसर जो कि ओनली डिमेबल करेगा, ठीक है, ये जगह में ज़्यादा उजाला है इसीलिए इसको डिमेबल करेगा, जो कि हमारा करंट थोड़ा सेविंग होता है। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जब इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर लेना। अगर आपका मन में कोई डाउट या सुलझा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, क्योंकि ज्यादातर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड हम वीडियो लेके आते रहते हैं। फिर मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा लेना चाहते हैं हम। नमस्कार।